T20I वर्ल्ड कप 2024 में आज वो मुकाबला खेला जाना है जिसका ना सिर्फ हम सबको बल्कि पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहता है। आज भारत के सामने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान होगी। इस मैच का इंतजार भारत और पाकिस्तान के समर्थकों को तो रहता ही है, लेकिन इस बार इसका इंतजार अमेरिका के दर्शक भी खूब कर रहे हैं। आज हम दोनों टीमों के प्लेइंग 11, पिच का एनालिसिस और आखिर में फैंटेसी 11 की बात करेंगे। आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में बनाई गई फैंटेसी टीम आपको ढेरों इनाम जिता सकती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टीमों के हालिया रिकॉर्ड की, तो इसमें भारतीय टीम का पलड़ा काफी ज्यादा भारी। हमेशा की तरह ही टीम इंडिया काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, लेकिन पाकिस्तान अपने दिन पर किसी भी टीम को हराने का मादा रखती है। एक बात तो तय है कि अगर भारतीय टीम अपने पोटेंशियल पर खेल गई तो फिर पाकिस्तानी टीम भारत के आसपास भी नहीं रहेगी। भारत की टीम में जहां विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव जैसे शानदार बल्लेबाज हैं, तो वहीं गेंदबाज में जसप्रीत बुमराह, हरदीप सिंह जैसे गेंदबाज नजर आएंगे। तो वहीं पाकिस्तानी टीम में भी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान जैसे सरीके बल्लेबाज हैं और गेंदबाजी विभाग में शाहीन शाह, अफरीदी, मोहम्मद आमिर संभालते हुए नजर आएंगे। अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो भारत ने जहां अपने पिछले मैच में आयरलैंड को 8 विकेट से हराया था, तो वहीं पाकिस्तान की टीम को पिछले मैच में यूएसए के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान के लिए मैच करो या मरो है, क्योंकि अगर पाकिस्तान हारता है तो पाकिस्तान के सुपर 8 में पहुंचने की संभावनाओं को बड़ा झटका लग सकता है। अब अगर इस मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला नसाऊ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर इस मैदान की बात की जाए तो यहाँ गेंदबाजों को आसान उछाल मिलता है, जिस कारण बल्लेबाजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टॉस जीतकर टीम पहले गेंदबाजी का फैसला करने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि यहाँ लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा आसान रहा है। पहले बल्लेबाजी में यहाँ पर टीम का सर्वाधिक स्कोर केवल 137 है, जो कनाडा ने बनाया था। उस लक्ष्य का पीछा भी आयरलैंड की टीम नहीं कर पाई थी। अभी तक वर्ल्ड कप में यहाँ 4 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें 2 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीते हैं और अन्य 2 मैच बाजी रन चेस करने वाली टीमों के नाम रहा है। अब अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो भारत और पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप में अब तक 7 बार भिड़ चुकी, जिनमें से 6 बार बाजी भारत के नाम रही है। तो वहीं 2021 विश्व कप में पाकिस्तान ने भारत को हराया था। अब अगर दोनों टीम के संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो टीम इंडिया अपने पिछले मैच में विनिंग टीम में शायद ही बदलाव करे, जहां सलामी बल्लेबाज की भूमिका कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली निभा सकते हैं। इसके बाद ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जाडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, हर्षदीप और मोहम्मद सिराज टीम में नजर आ सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम अपने पिछले मैच में अमेरिका से हार गई थी, ऐसे में टीम में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। पाकिस्तान के संभावित प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सैम आयूब, फखर जमान, शादाब खान, आजम खान, इफ्तिकार अहमद, शाहीन शाह, अफरीदी, मोहम्मद आमिर, हासिफ रऊफ और नसीम शाह टीम में नजर आ सकते हैं। अब अगर बात करें आज की हमारी फैंटेसी 11 की, तो मोहम्मद रिजवान, ऋषभ पंत, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, बाबर आजम, हार्दिक पांड्या, शादाब खान, शाहीन शाह, अफरीदी, जसप्रीत बुमराह, हरदीप सिंह हो सकते हैं। इस टीम के कप्तान होंगे हार्दिक पांड्या और जबकि वाइस कप्तान होंगे विराट कोहली। अगर आप भी फैंटेसी खेलना पसंद करते हैं तो आप इस टीम को बनाकर ढेरों इनाम जीत सकते हैं। अगर आपने भी कोई टीम बनाई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इस टीम को जरूर भेज सकते हैं। इसी तरह की क्रिकेट से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रही हमारे साथ क्रिकेट केसरी पर। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।